एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं सोया फ्राइड ग्रेवी मोमोज, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें बनाना कैसे है। स्टफिंग के लिए हमने लिए ये सोया, जिसको मैंने पहले एक बार बॉईल कर लिया है पानी के अंदर डाल के। आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं, एक बॉईल भी लगा सकते हैं, या आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए गर्म पानी के अंदर डिप करके भी रख सकते हैं, ताकि हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएं। उसके बाद हमने इनको पानी में से निकाल लिया है। अब हम इनको एक ग्राइंडर जार में डाल के इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने सोया चंक्स को ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से। यहाँ हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है, हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर। यहाँ मैंने चॉप जिंजर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ गार्लिक, साथ ही हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अनियन। यहाँ हमने अनियन को 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने सोयाबीन, जिसको हमने ग्राइंड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिल्ली सॉस। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं विनेगर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से पक जाए। हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है, ताकि थोड़ी ड्राई हो जाए और अच्छे से पक जाए। हमारी स्टफिंग जो है तैयार हो गई है। अब हम गैस जो है बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। मोमोज़ का डो लगाने के लिए हमने लिया है ये मैदा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। अब हम इसका डो जो है ठंडे पानी से लगा लेंगे। ये मैंने थोड़ा ठंडा पानी लिया है, जिससे हम इसका डो लगाएंगे। यहाँ हमारा डो लग के तैयार हो गया है। हमने डो लगा दिया है। इसका जो हमें डो लगाना है वो थोड़ा सॉफ्ट लगाना है, नॉर्मल चपाती जैसा डो लगाना है। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे रेस्ट पे रख देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमारे डो को रेस्ट पे रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम अपने मोमोज जो हैं वो बना के तैयार कर लेंगे। हम इसमें से थोड़ा सा डो ले लेंगे, इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना लेंगे इस तरीके से, और इसको बेल लेंगे। आप इसमें सूखा मैदा लगा के भी इसको बेल सकते हैं, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके, या ऐसे भी इसको बेल सकते हैं। ये हमने इसको इस तरीके से बेल लिया है, हमें इसे थोड़ा पतला ही बेलना है। अब हम इसमें फिल कर देंगे अपनी स्टफिंग। यहाँ मैंने 2 स्पून फिलिंग जो है इसमें करी है। साइड में हम लगा देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, इसके प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसको हल्का सा हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा मोमोज जो है ये बनके तैयार हो जाएगा। अपने बाकी सारे मोमोज भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। हाँ, मैंने पानी रख दिया है पतीले के अंदर बॉईल होने के लिए। पर मैंने ये छन्नी रख दी है, इसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया है, ताकि हम इसमें जब मोमो को स्टीम करें तो वो चिपके ना। अब हम अपने मोमोज जो है इसमें रख देंगे स्टीम होने के लिए। यहाँ मैंने इसमें मोमोज रख दिए हैं स्टीम होने के लिए। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम कवर करके 15 से 16 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे फुल फ्लेम पर।
ये हमारे मोमोज को स्टीम होते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी फूल भी गए हैं। हम इनको इसमें से निकाल लेंगे और अपने दूसरे मोमोज भी हम इसी तरीके से स्टीम कर लेंगे। हाँ, हमारे मोमोज भी जो है ठंडे हो गए हैं थोड़े, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है, अब हम अपने मोमोज जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये हमें मीडियम हीट पे ही फ्राई करने हैं। यहाँ हमारे मोमोज जो है फ्राई हो गए हैं, ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के अपने मोमोज भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मोमोज की ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे पैन में घी डाल दिया है गर्म होने के लिए, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं बटर। आप घी की जगह इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बारीक कटा हुआ गार्लिक, साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें बारीक कटा हुआ जिंजर। आप इसकी जगह जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अनियन, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मैं सहजवान सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मोमोज की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। सहजवान सॉस या मोमोज की चटनी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये फ्रेश क्रीम। मैंने इसको 1 से 2 मिनट यहाँ पे पका लिया है, इसमें एक बॉईल आ गया है, हमारी ग्रेवी जो है बनके तैयार हो गई है। हम अपनी गैस जो है बंद कर देंगे। अब हम अपने मोमोज जो हैं ग्रेवी में डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे एक बार ग्रेवी के अंदर। ये हमारे ग्रेवी मोमोज जो हैं बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। इस पर गार्निश कर देंगे चॉप्ड कोरिएंडर। ये हमारे सोया फ्राइड मोमोज ग्रेवी वाले तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।